इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से इंडिया की फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, भुवनेश्वर से मुंबई जा रही थी ये फ्लाइट, इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एयरपोर्ट पर हुई सेफ लैंडिंग, विमान में आग लगने से रायपुर एयरपोर्ट में की गई है और यहां दो घंटे के लिए सारे फ्लाइट को डायवर्ट कर दिया गया है, चाहे वो दिल्ली से आने वाली हो, चाहे हैदराबाद, चाहे जोधपुर, बेंगलोर, दिल्ली, यहां सभी फ्लाइट को डायवर्ट कर दिया गया। और जो इमरजेंसी फ्लाइट की लैंडिंग की गई थी उसमें से 189 यात्रियों को सुरक्षित निकाल ली गई। मैं आपको यहाँ एयरपोर्ट से नजारा दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे अपने यात्रियों का, परिजनों का इंतजार कर रहे हैं। वही जो यात्री जो एयरपोर्ट से में जो मौजूद हैं जिन्हें निकाला गया सुरक्षित, ये आप देख रहे हैं ये दृश्य जो साफ साफ तौर पे आप स्वराज एक्सप्रेस में ये दिख रहा है, जिन्हें 180 यात्री हैं जिनको ये देखना है कि वो अपने घर तक कब पहुंच पाएंगे। तो इस तरह आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि वही यात्री हैं जिन्हें फ्लाइट से निकाला गया है और ये भुवनेश्वर से मुंबई के लिए निकले थे और इस तरह यहाँ पे सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। और फिलहाल रात की बात ये है कि यहाँ सुरक्षित लैंडिंग है। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप किनके इंतजार कर रहे हैं, कहाँ से आपके परिजन आ रहे हैं? ब्रदर का वेट कर रहा हूँ, वो दिल्ली से आ रहे थे, 7:30 बजे उनकी फ्लाइट यहाँ लैंड करनी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद सूचना मिल रही है कि 2 घंटे तक के रायपुर एयरपोर्ट पर ना कोई फ्लाइट आएगी ना कोई यहाँ से फ्लाइट जाएगी, क्योंकि भुवनेश्वर से मुंबई की फ्लाइट है जिसमें आग लगने की खबर आई है, इस कारण से 2 घंटे का ब्लॉकेज किया गया है। और क्या आपको जो परिजन आपके भाई जो आने वाले हैं उनसे कोई बातचीत हुई है, कहाँ अभी उनके फ्लाइट को डायवर्ट किया गया है, कहीं उतारा गया है? नहीं, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनका फोन बंद आ रहा है, जैसे कि फ्लाइट में कॉल्स लगते नहीं, इस कारण से उनका फोन बंद आ रहा है। तो इसलिए हम लोग सब चिंता के विषय चिंतित हो गए कि कब आएगी, क्या है, कोई सूचना भी ऐसा अनाउंस हो नहीं रही है यहाँ पे कि क्या मेजर कारण है या कब तक आएगी, कोई खबर भी अनाउंस यहाँ नहीं हो रही है। एयरपोर्ट प्रबंधन से कोई बातचीत या कुछ वो बताए हूँ? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी सूचना मिल नहीं पाई है। तो अभी आपने यात्री के परिजनों को सुना, उन्हें कहा है कि उनके अपने परिजनों को यहाँ लेने पहुंचे थे लेकिन वो इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से सभी फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया और उनको सूचित किया गया है कि अभी 2 से 2.5 घंटे तक सभी फ्लाइट को यहाँ से ना कोई फ्लाइट आ सकती है ना जा सकती है। आप यहाँ एयरपोर्ट के बाहर की नजारा देख सकते हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पे उपस्थित हैं जो अपने परिजनों को लेने पहुंचे हैं, कोई दिल्ली से आ रहे हैं तो कोई कोलकाता से तो कोई नागपुर से, तो इस तरह तमाम अलग अलग जगहों से हैं। और आप जो रूट डाइवर्ट किया गया है उन फ्लाइट का हमको नाम बताया, दिल्ली से है, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, इस तरह तमाम फ्लाइट का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और देखना यह है कि इसमें सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है। अब इस तरह अभी फिलहाल सभी यात्री इंतजार कर रहे हैं और जो यात्री फंसे हुए हैं उनको इंतजार है कि उनकी फ्लाइट कब तक जाती है। रायपुर से जग्गा के साथ सत्या राजपूत। देखा आपने कि जो फ्लाइट थी वो एयर इंडिया की थी, इसमें आग लगी, लेकिन गनीमत ये रही कि फ्लाइट सेफ लैंडिंग हो गई और सभी यात्री सुरक्षित है।